अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मजीद है जी। अब्दुल मजीद साहब क्या करते हैं? कहना क्या, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि अब कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। कितना आया बिजली का बिल? इस दफ़ा तो आएगा 12-13 को आता है। वैसे वो इसलिए डबल बिल आता है कि रीडिंग वाले का टाइम होता है ना, अगर आपका 5-4 तारीख को उसने करना है, रीडिंग करनी है, वो आएगा 10 को 9 को, यानी कि 100 से ऊपर यूनिट चले जाएँ। ज़ाहिर ऊपर जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा, अगर उससे पहले वो टाइम के मुताबिक करेंगे तो फिर वो बिल कम आएगा। ठीक है, अगर मेरे अगर 100 से कम है तो मुझे बिल नॉर्मल आएगा, अगर वो 10 दिन बाद आगे रीडिंग करेंगे उससे आगे चले जाएंगे, 100 से ऊपर गया तो ज़ाहिर डबल हो जाएगा। असल में ये रीडिंग वाले करते हैं। लेकिन सर जब 10 को आपका बिल हुआ तो अगली 10 तक फिर 100 ही आना चाहिए कि अगली 10 में फिर 40 दिन का करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कोशिश करनी होती है कि अगर 100 यूनिट है ना, उससे अगर 2 यूनिट भी ऊपर हो गए ना, उन्होंने वो 200 के हिसाब से बिल लेना होता है। सिर्फ यही वजह है? यही वजह है, फिर ऊपर वो टैक्स डाल दे, पता नहीं किस किस के हैं, फ्यूल टैक्स है, इनकम टैक्स है, टीवी वाला टैक्स है, पता नहीं क्या क्या है। टीवी वाला तो हमेशा से था ना? हाँ वो तो है, बाकी और पता नहीं क्या क्या। आपको लगता है पहले आपका बिल कितना आया? पहले नॉर्मल आता था 1000, 1100, 1200, 1500, ज़्यादा तो ज़्यादा। सब जो अब ज़्यादा आना शुरू हुआ है, 4000 बढ़ गया, तो ये सिर्फ मीटर की जो रीडिंग लेने आता है, मीटर रीडर, उसकी वजह से? ये उसकी वजह से है। पहले टाइम पे आते थे? एक तो पहले नंबर पे वो घर पे बिल नहीं दे के जाते, कहाँ देते हैं वो? बाहर एक वो उधर डेरा है कोई, वहाँ पे देते हैं बिल, वो किसी को मिलता है किसी को वो भी नहीं मिलता। उसकी क्या वजह है? वजह है कि उनको चाहिए, ये गैस वाले बिल भी तो घर के दे के जाते हैं, वो घर बिल नहीं दे के जाते, वो उधर से बात की, खुद ही ढूंढे, मिल जाए तो ठीक है, अगली दफा आएंगे मीटर काटेंगे ले जाएंगे, ये बात। काटने भी वहाँ पे आते हैं, यहाँ घर पहुँच जाते नहीं, फिर तो घर फिर बताते भी नहीं है वो, शाम को अगर उन्होंने सुबह मीटर काटा, शाम तक वो देखते हैं शायद पीछे से वो डी उड़ गई है या क्या वजह है, जब बाहर आके देखते हैं तो मीटर ही गायब होता है। तो सर जब पिछले साल बिल आया करते थे तो मीटर रीडर जो था वो टाइम पे रीडिंग करता? नहीं रे, ये तो इनका शुरू से यही है साहब, ये शुरू से काम है। तो पिछले साल जो है 1100, 2000 और अब अगर कंप्लेन करें ना वो डबल कर देते हैं, फिर डबल कर देते हैं, ऊपर डाल देते हैं। ये हो गया, ये मैं मेरे हिसाब से ये मेरा 1.5 साल हुआ मेरे साथ ये वाकया हो चुका है, टीवी पे भी चल चुका है, मेरे मीटर कटे को 4 महीने हो गए थे, इन्होंने बिल भेजा 28,75,380 रुपये अभी तक मेरे पास। 28 लाख रुपए? हाँ जी हाँ जी, मीटर कटे को भी 4 महीने हो गए, मीटर है ही नहीं, टीवी पे भी खबर चलती रही है, अपना City42 वाले आए और भी लोग आए, ठीक है, ये कुछ भी नहीं करते, दफ्तरों पे इधर चक्कर लगाओ उधर जाओ। फिर मैंने वो वफाकी मुतसर केस किया दफ्तर उधर अदालत में, फिर जाके ये मसला हल हुआ, उन्होंने मसला हल किया। हाँ वो उधर फिर उन्होंने जो एक्सियन है वो आया, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे कंप्यूटर की गलती है, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने कहा बिल आया मर जाता तो फिर सर, अगर बिल आया जब आपने पकड़ा पड़ा तो हार्ट अटैक नहीं हुआ? वो हार्ट अटैक क्या, मैं घर भी बेचता तो पूरे नहीं कर सकता था, अभी मेरे पास अभी भी मौजूद है रिकॉर्ड, कहते तो मैं अभी दिखा सकता। मसले का हल क्या है? मसले का हल कुछ भी नहीं है, ये असल में गरीबों को ख़त्म करने का इन्होंने तरीका ढूंढा हुआ, गुरबत मिटाओ। हाँ बस। वोट किसे देते हैं? वोट तो हम जो हमारे ज़िले का होता है उसको ही देते हैं। किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? नून लीग से, PTI से? पार्टी हमारे जो इधर काम करता है ना हम उसको साथ। उनका क्या नाम है सर? इधर तो काफ़ी आते हैं, ये जो ये रोड बना है ना हमें इधर 30 साल हो गए, नून लीग की सुबह से ये शुरू से यही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया काम, ये आए PTI लिया है, ये उन्होंने रोड भी बनाया सब कुछ बनाया, इस दफ़ा हमने वोट भी उनको दिया है, अब देखे कौन अच्छा आता है उसको वोट दे देंगे, जो अच्छा आएगा उसी को वोट देंगे, और होना भी ऐसे ही चाहिए, जो आवाम का काम करे उसी को वोट दें। सर इस बार क्या मुतवक्के, कितना बिल आएगा? इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में कम से कम 7-8 हज़ार तो पक्का है ना। घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें? घर में एक पानी की मोटर है, बल्ब है, पंखा है, फ्रिज है, और क्या होना, एक कमरे में कुछ है ना, टीवी तो है ना, वो तो जाहिर टीवी के बगैर तो बच्चे नहीं रहते ना। तो सर आप कितने घंटे टीवी देखते हैं? वो हमें टाइम ही काम मिलता है जी, 4-4 घंटे एक जगह ड्यूटी करो, 8 घंटे एक जगह करो, वो सारा दिन हमारा तो बाहर ही चलता है, घर में काम। महीने में कितनी आमदन कितनी है?
आमदन कोई नहीं है तकरीबन, एक रेफ एस्टिमेट हो जाता है ताकि हुकूमत को पता चल सके। 18-20 हज़ार 25 हज़ार हो जाती है और क्या होना।